उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। 5 फरवरी से शुरू हुआ ये सत्र आगामी 8 फरवरी तक चलेगा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत विधायकों के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोरी भूषण ने बताया कि आज विधानसभा में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समान नागरिक संहिता UCC को सदन पटल पर रखने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कल विधानसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की क्षैतिज आरक्षण की मांग से जुड़ा प्रतिवेदन भी सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं यूसीसी पर विपक्ष की तरफ से लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं और उठ रहे सवालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष से अपील की है कि वे पहले यूसीसी के मसौदे को सदन में पेश होने दें और इसकी रिपोर्ट को पढ़कर ही अपनी प्रतिक्रिया दें। यूसीसी में सभी के हितों की बात कही गई है। विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। विपक्ष के सदस्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह कार्य मंत्रणा की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गए। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कार्य संचालन नियमावली का पालन न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा देने की भी बात कही है। देखिए, कार्य मंत्रणा की आज बैठक हुई है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यूसीसी को जो है कल हम लोग ले करेंगे और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी वाला जो हमारे पास प्रवर समिति को सबमिट हुआ था उसको रिपोर्ट जो है उसको भी हम कल टेबल पर ले करेंगे और यूसीसी पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष कह रहा है कि हमने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या दिया है? देखिए, ऐसा अभी मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ नहीं आई। उन्होंने ज़रूर वो उठे वहाँ से, लेकिन अभी इस तरह की चीज़ मेरे पास नहीं आई। नहीं होगा। देखिए, ऐसा है, यूसीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है और हम सब चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उस पर अच्छा खासा डिबेट हो, डाइल्यूट ना हो। सारे चाहे वो क्वेश्चन आर हो, चाहे कार्य स्थगन की बात हो, सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और विधायकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो अपनी बातों को सदन पे रखें। लेकिन ये कहते हुए भी मैं कह रही हूँ कि यूसीसी भी एक इस देश के लिए एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में, उत्तराखंड को गर्व है, गौरव है कि हम पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसे देश पढ़ेगा, देखेगा और फिर देश में आएगा। सो शायद उस लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल अगर हम यूसीसी पे कंसंट्रेट करें और यूसीसी को लेकर सदन में आए तो वो एक अच्छा निर्णय होगा। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 125 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सब से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें, मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था
कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी, और कल विधेयक के रूप में आएगा। आने के बाद फिर आप सबसे चर्चा करेंगे। सर, लोकसभा में पेपर लीक बिल लाया गया है सर, उत्तराखंड के गठन में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे युग दृष्टा हैं, भविष्य को देखने वाले हैं, देश के हरेक जनगण मन की वो चिंता करते हैं, और आगे आकर ननिहालों के, कर्णधारों के, नौजवानों के, युवाओं के, या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां इस नकल के कारण आती हैं वो भली भांति जानते हैं, और वो वह सब काम करते हैं जो देश को जिसकी ज़रूरत होती है। इस नकल विरोधी कानून की भी देश को ज़रूरत है, और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रही है। सर, विपक्ष का कहना है कि ट्राइबल एरिया को इससे बाहर रखा गया, तो ये समान नागरिक संहिता कहाँ हुई, एक समान कानून कहाँ हुआ? देखिए, जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी, और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएँ विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है संकल्पना है, वह यह जो है हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। और देखिए, कार्य मंत्रा समिति की जो आज बैठक हुई है, और ये जो विधानसभा का सत्र है, सत्रावसान नहीं हुआ है और न ये कोई स्पेशल सेशन है, लेकिन सरकार की मंशा, सरकार की नियत साफ जाहिर हो रही है, और यह जो कार्य संचालन नियमावली है, जो कांग्रेस की जो कार्य संचालन नियमावली है, जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको सरकार संख्या बल के बलबूते पर आधार पर दबाना चाहती है, और कल इनका सरकार की ओर से सरकार का पक्ष है, संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष है कि कल प्रातः हम यूसीसी को सदन में प्रस्तुत करेंगे और उसके उपरांत तत्काल हम चर्चा कराएंगे। तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या भी है, संवैधानिक मूल्यों का हनन भी है, और जो हमारी कार्य संचालन नियमावली है, जो नियम है और जो परंपराएं हैं, उसकी घोर अवहेलना है। और आज तक के संसदीय इतिहास में, मुझे उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी दो बार अवसर मिला है भाग लेने का, और लगातार पिछले वर्षों में मैंने देखा है, लेकिन जिस तरह से जो आचरण, जो व्यवहार सरकार कर रही है, आवाज़ जो हमारे पक्ष को नहीं सुनना चाहती है, हमने पहले भी कहा कि इसमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए, और प्रश्नकाल और
जो नियम 310 के कार्यस्थल के प्रस्ताव भी को भी इसमें ये भी सुचारू रूप से एक ऑर्डर में है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन और इन्होंने 25 तारीख को एक विधानसभा सचिवालय के माध्यम से सभी माननीय विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को सूचित किया गया है कि आप कार्यस्थल के प्रस्ताव 8 बजे तक प्रस्तुत करें। और आज कहा जा रहा है कि ये विशेष सत्र है और इसमें न प्रश्नकाल होगा, न कार्यस्थगन होगा, न अन्य कार्य होंगे, सीधे सदन के पटल पर हम यूसीसी को रखेंगे और तत्पश्चात आप उसमें बहस में भागीदारी कर सकते हैं। ये संसदीय परंपराओं की घोर अवहेलना है। संख्या बल के आधार पर इस कार्य मंत्रा समिति में भी संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और मैं निश्चित रूप से कार्य मंत्रा समिति से इस्तीफा दे रहा हूँ। आज कार्य मंत्रालय की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में स्थगित जो सत्र था उस स्थगित सत्र को जो है पुनः आहूत किया गया। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र को जो सत्रावसान करती और सत्रावसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये कुछ नहीं किया। और 25 जनवरी 2024 को विधानसभा के सचिव विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को पत्र लिखते हैं कि 6 फरवरी को प्रातः 8:30 से 9:30 तक कार्य स्थगन के प्रस्ताव विधानसभा में लिए जाएंगे। तो भाई हमने तो नहीं कहा कि आप विधानसभा सदस्यों को पत्र लिखें, ये पत्र लिखा है, लेकिन सरकार का विश्वास जो है ना तो लोकतंत्र पर है, ना नियमावली पर है, ना जो है देश के संविधान पर है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही, हम जब कार्य संचालन नियमावली में भी नियमों के विपरीत काम होना है और सदन को भी आप नियमों के विपरीत आहूत करने का काम कर रहे हैं तो कार्य मंत्रालय से हम त्याग पत्र दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपसे एक बात कही कि कार्य मंत्रणा समिति विधानसभा सत्र के दौरान आवश्यक होती है। अगले दिन जो कार्यसूची होती है कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। यदि आपको याद हो जब यूसीसी का विषय भी आपने एक बार मेरे से पूछा तब भी मैंने यही कहा था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग तय करेंगे किस दिन हम यूसीसी लाएंगे। लेकिन ये भी हमने कहा था कि हम 6 तारीख को लाने का प्रयास करेंगे, कार्य मंत्रणा समिति की 5 तारीख को बैठक करेंगे। आज हमने बैठक की, उसमें हमने कल के लिए एजेंडा तय किया है, तो इसमें कोई कारण मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विपक्ष है ना तो उसके पास कोई मुद्दा है। वो मुझे ऐसा लगता है यूसीसी पर व्यापक चर्चा के मूड में नहीं है। वो नहीं चाहता कि यूसीसी यहाँ पे लागू हो और प्रदेश का नाम देश के अंदर एक अच्छे ढंग से लिया जाए, नहीं चाहता है। जबकि यूसीसी जब कल आएगा, कल जब उस पर सब विषय आएंगे, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी उस गलती का एहसास ज़रूर होगा जो ये अब कर रहे हैं।